स्वागत है आप सभी लोगों का आई इंडियन बॉक्सर की एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग पांच कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो आपके मतलब सफर वगैरह में काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर स्पीकर्स ही हैं तो फिर आपके काफ़ी काम आएंगे रोड ट्रिप वगैरह में। और ये आपको 500 से लेकर 3000 के बीच में सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन सब चीज़ों का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वह है ये माइक। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दी, इसकी वीडियो मैं नहीं डाल सकता क्योंकि ये मैंने खोल लिया था, बंद करना भूल गया डिब्बे को, कोई बात नहीं है। लीजिए कर देते हैं अनबॉक्सिंग, ये मैंने रखा है इसको। तो गाइस हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो चलिए इसे खोल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये माइक और स्पीकर का एक कॉम्बो है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके साथ आपको एक ऑक्स केबल मिल जाती है और आपका डिब्बा, आप उसका डिब्बा जो है वो आपको लेदर फिनिश में मिल जाता है, तो फिर ये भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, कौन ही रख रहा है इस माइक को इसके अंदर। चलिए इसको करते हैं साइड में। तो ये है हमारा आज का प्रोडक्ट पहला, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है और यहाँ आपको मेटल मिल जाता है इस जगह पे। और आपको हैंडल भी इसका प्लास्टिक का मिलता है लेकिन लगता है एकदम मेटल जैसा है। तो गाइस ऐसे मैंने एक दो माइक मंगाए हैं, एक पे मैंने स्क्वायर शेप में मंगाया है और एक मैंने सर्कल शेप में मंगाया है। लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है, आप देख सकते हैं ये आपको कॉपर फिनिश में मिल जाता है और इसके आपको बटन्स भी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं काफ़ी। आप देख सकते हैं बटन्स की भी क्वालिटी देख सकते हैं दोनों में आप डिफरेंस, इसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है और ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है और इसको पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम सा फील आता है। ये है पूरा प्लास्टिक का, यहाँ पे बस इसमें भी मेटल है और इसके जो साइड में जो बाउंड्री देखते हैं आपको ये मेटल की है, बाकी ये पूरा प्लास्टिक का है। तो गाइस चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, फिर पहले आपको सब चीज़ें दिखा देते हैं। और ये है हमारा JBL विंड, तो ये भी आपके रोड ट्रिप वगैरह में काम आ सकता है, इसकी आवाज़ भी काफ़ी तेज़ है। और ये हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट ये हेडफोन और ये हमारी एलेक्सा। तो इन सबका हम लोग साउंड टेस्ट करने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का देखने हैं किसका साउंड ज़्यादा तेज़ है और हम आपको बताएंगे भी अपने कि हमें कौन सा ज़्यादा मतलब तेज़ लगा, किसका वॉल्यूम। और आपको इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस तो ये हैं हमारे आज के सारे प्रोडक्ट, तो आज अब हम इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सबको पहले ऑन कर लेते हैं। और ये तो हेडफोन है, तो इसको हम आपको सबसे एंडिंग में दिखाएंगे, पहले इन सब स्पीकर्स के मतलब साउंड टेस्ट कर लेते हैं कैसा साउंड है इनका। चलिए अभी इन्हें कनेक्ट करके देखते हैं। क्या आप देख सकते हैं JBL विंड आ चुका है, JBL विंड पेयर हो चुका है। और ये जो स्पीकर है आपको पूरा फुल वाटरप्रूफ में मिलता है, जिसको अगर आप पानी में डुबा के भी बजाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने तो ट्रायल नहीं लिया है लेकिन अगर आपको ट्रायल लेना तो आप ले सकते हैं, मैं तो नहीं ले सकता भैया, क्या पता अगर ख़राब हो गया तो क्या करूँगा मैं। वारंटी के भी बाहर है क्योंकि मतलब पुराना स्पीकर है, पर 5 years old प्रोडक्ट्स में इसलिए लाए क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत तेज है और ये काफ़ी बढ़िया है। और एक आधा भीगा तो है लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये मतलब ख़राब तो नहीं होने वाला है कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं भी इसे 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। चलिए एक हमने पेयर कर लिया, ये सबसे पेयरिंग पे लगा देते हैं, ये अच्छा नीचे आ गया, तो कौन सा पेयर होता है, WS858 ये पेयर हो रहा है, WS858 शायद हमारा ये होगा। और ये SS12 हमारा ये है, ये वाले स्पीकर है। और एलेक्सा में तो ब्लूटूथ की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही बजा देगी। चलिए पहले हम JBL विंड का ट्रायल लेते हैं। तो हम NCS का गाना प्ले करते हैं ताकि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए। गाइस एड तो सुननी पड़ेंगे, एड के बिना तो जिंदगी बेकार है, आप देख सकते हैं वीडियो से ज्यादा तो एड देखने में मजा आता है। चलिए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम यहाँ पे फुल करते हैं। वो गाना इसमें प्ले हो गया, सॉरी गाइस गाना इसमें प्ले हो चुका है। चलिए इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये इसका फुल वॉल्यूम है। चलिए आप इसका आवाज सुनिए, इस
इसकी आवाज़ भी काफ़ी क्लियर है। चलिए अब अपने JBL के स्पीकर को बजा के देखते हैं किस पे क्लिक हुआ जा रहा है। फिर JBL विंड आ गया, स्टार्टिंग से हो जाते हैं। तो ये JBL विंड बज रहा है मेरा, फुल वॉल्यूम इसका। वैसे गाइस मैं कहना चाहूँगा कि ये इस स्पीकर के आपको आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलती है, आवाज़ तो ये JBL के स्पीकर की ज़्यादा है, बट आपको इसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, इसमें थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं। पर इसकी आवाज़ आप देखना चाहें तो इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसका बेस भी बहुत ज़्यादा है। इसका बेस इतना है कि आप इसका बेस महसूस कर सकते हैं। और इसमें आपको मोड भी मिल जाते हैं, जैसे आप इसको रेडियो पर सेट कर सकते हैं FM। अभी FM शुरू हो गया, पर इतना है FM पे आप कर तो सकते हैं, लेकिन FM कभी चलता ही नहीं है इसका। तो फिर मतलब फीचर्स तो हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा वैसे ज़्यादा। फीचर्स तो हैं इसमें, आप देख सकते हैं FM भी है, पर FM काम नहीं करता कभी भी आज तक, मेरा तो कनेक्ट हुआ नहीं, मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और इससे आप कॉल उठा सकते हैं, कॉल काट सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, अगली वीडियो लगा सकते हैं। चलिए वो सब तो हम आपको फुल वीडियो भी नहीं बना सकते क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी हमने आपको साउंड तो सुनाई दिया है, चलिए उसके आपको बोल के दिखाते हैं। हेलो हेलो हेलो, ओ सॉरी वॉल्यूम बढ़ाना तो भूल गए। हेलो तो कैसे चलता भाई? हेलो हेलो, तो ये चल गया है। हेलो, तो इसकी आवाज़ भी काफ़ी क्लियर है, और काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लियर है आवाज़ इसकी, पर एको थोड़ा ज़्यादा है। चलिए एको बंद करके देखते हैं। इसको हमने बंद कर दिया एको को, इससे नहीं बिल्कुल नीचे। हेलो हेलो हेलो, और इसमें आपको काफ़ी और भी मोड्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो वॉइस चेंज हो जाएगी। अब मैं बोलता हूँ हेलो हेलो हेलो, तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी आवाज़ हो चुकी है। चलिए एक और बार दबाते हैं हेलो हेलो, ये भी काफ़ी मोटी आवाज़ है। अब बोल के देखते हैं हेलो 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 गाइस, चाय पीना। तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली आवाज़ हो गई। पर गाइस इसके वॉइस चेंज करने पर काफ़ी इसकी आवाज़ फटने से लगती है, इससे भी आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, पिछली वाली प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बस इससे आप कॉल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन माइक इसमें है पर आप इससे कॉल रिसीव करके बात नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब आते हैं इस वाले स्पीकर पे। हेलो, अरे ऑफ हो गया। चलिए इसका भी साउंड प्ले करके देख ही लेते हैं। गाइस देखते हैं इसकी बैटरी भी खराब निकली। चलिए लेकिन हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एलेक्सा से गाने बजवाते हैं। एलेक्सा प्ले NCS सॉन्ग। Shuffling songs by NCS on Amazon Music. Alexa, volume full karo. Alexa की आवाज़ भी हमें काफी तेज मिल जाती है। Stop. आवाज के लिए अभिनेता प्रेम चोपड़ा। स्टॉप एलेक्सा स्टॉप। चलिए एक बार में सुन नहीं पाती है, कानों में कोई दिक्कत है। चलो कोई नहीं, इसके भी कान चेक करा लेंगे। तो गाइस आपने इन सबकी आवाज़ तो सुनी ली है, इन सब स्पीकर्स की। चलिए यहाँ तो रखी दूँ ताकि दिखाई दे किसकी सुन ली, इनकी तो आपने सुनी ली है। चलिए अब आपको ये हेडफोन भी चला के दिखाते हैं। इसमें भी काफ़ी फीचर्स हैं, जो आपको इसका स्टैंड मिलता है उसमें भी एक माइक लगा हुआ है, जिससे आप कहीं पे भी रख के मतलब
उस पर बोल सकते हैं, जैसे आप उसको अपना मतलब माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको भी चला के दिखाता हूँ मैं आपको जल्दी से। जिसका पहला फीचर है वो है FM रेडियो, मतलब इसमें FM है। और नॉर्मली अगर आपको इसको फ़ोन से कनेक्ट करना है तो आप ऑक्स से कनेक्ट करके इसे चला सकते हैं, लेकिन ऑक्स से कनेक्ट करके चला के मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हेडफोन है तो चलेंगे ही, पर इसमें रेडियो है ये बात अलग है। और लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ जो बहुत ख़राब लगी वो है ये कि ये सेल से चलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-6 दिन का बैटरी बैकअप देते हैं सेल लगाने के बाद, उसके बाद ये नहीं चलते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी, अगर इसमें बैटरी होती तो और ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन कोई नहीं, अब तो मंगा लिया है तो आपको चला के दिखाते हैं। ये ऑन हो गया है, चलिए इसको बंद करता हूँ मैं। चलिए अब इसे ऑन करता हूँ, आप सुनिएगा रेडियो से आवाज़ आएगी, ये हल्के से सिग्नल मिले तो इसकी आवाज़ जो आपको काफ़ी क्लियर मिल जाती है। सोचिए रेडियो पे इतनी क्लियर आवाज़ आ रही है, जब आपको हेड मान लो इसको आप गेम खेलेंगे या कुछ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आवाज़ देंगे ये, जिसको भी चला के आपको काफ़ी मतलब अच्छा फील आने वाला है। बस इसमें एक चीज़ बहुत ख़राब है कि इसमें सेल लगते हैं। तो चलिए अब हमने इन सब चीज़ों की तो टेस्टिंग कर ली, ये अपना फटा गला चलाया पड़ा है लगातार रेडियो का, तो चलिए इन सब चीज़ों की तो टेस्टिंग हमने कर ली है। तो चलिए अब हम लोग अब इन सब के पापा चला के दिखाते हैं, ये सब तो होगा इनके बच्चे। तो चलिए अब शुरू किया जाए, सबसे खतरनाक स्पीकर बजाया है अपना एलेक्सा, पिताजी को चालू किया जाए स्पीकर्स के। सो गाइस एलेक्सा अब खतरनाक मूड में आ गई है, तो आप देखिएगा आवाज़। एलेक्सा प्ले NCS Mortals। Mortals by Vagio on Amazon Music। तो गाइस तो ये तो हो गए हमारे आज के सारे प्रोडक्ट्स। चलिए हम आपको एक बोनस प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ। तो ये है एक छोटी सी बैटरी वाली लाइट, इसका भी बाइलिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपको 400 रुपीज़ की मिल जाएगी, और इसकी ये कुछ काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ये पूरे एक मतलब LED लाइट से भी ज़्यादा ब्राइट है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्राइट है, कैमरा इस पर फोकस भी नहीं कर पा रहा ढंग से, देख सकते हैं आप इसे। ये मैं पीछे से रोशनी करने के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि लाइट थोड़ी कम है यहाँ पर। और गाइस ये एलेक्सा भी मैंने अपने रूम से कनेक्ट कर लिया, लास्ट टाइम मेरे रूम में मतलब कुछ था नहीं क्योंकि एलेक्सा पहली बार आई थी। तो चलिए अब चला के दिखाते हैं आपको। एलेक्सा RGB ऑफ करो। ठीक है। एलेक्सा गेमिंग सेटअप ऑफ करो। एलेक्सा लाइट 1 ऑफ करो। एलेक्सा लाइट्स ऑन करो। तो जब हम इसे लाइट्स ऑन करो कहते हैं तो सब चीज़ सारी लाइट्स एक साथ जला देती है, और जब हम इसे ऑफ करने को कहते हैं तो ये सब कुछ एक साथ ऑफ भी कर देती है। अगर मैं लाइट ऑफ करूँगा तो सब एक साथ ऑफ कर देगी, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये जिस प्लग से लगी है वो भी ऑफ हो जाता है, इसके लिए अब मैं नया प्लग लगवाऊंगा। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सा स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा तेज लगी वो मुझे कमेंट करें।